नमस्कार, बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत चैनल पर। हम हैं धर्म दुबे। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आज की हम लेकर आए हैं पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर। पावर स्टार पवन सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म लोहा पहलवान का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर इस महीने की 22 तारीख यानी 22 मई को पहली बार फिल्मची टीवी पर होगा। फिल्म लोहा पहलवान भोजपुरी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म का प्रसारण 22 मई को दोपहर 1 बजे फिल्मची टीवी चैनल पर होगा। ये एन10 मीडिया नेटवर्क का प्रीमियम भोजपुरी फिल्म चैनल है, जिस पर दर्शक 2400 घंटे भोजपुरी फिल्म देख सकेंगे। ये चैनल की डिश टाटा स्काई, एयरटेल टीवी, डेन केबल, GTPL, दर्श टीवी मौर्या, सिटी केबल आदि पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इकबाल बख्श द्वारा निर्देशित फिल्म लोहा पहलवान को सिनेमाघरों में दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर के किरदार में पवन सिंह जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का निर्माण उच्च तकनीकी के साथ हर एक पहलू पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देकर किया गया है। इसके कुछ दृश्य बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म सुल्तान से मिलते जुलते हैं, जैसे कुश्ती अखाड़े का दृश्य दोनों फिल्मों में काफी सिमिलर है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ बंपर ओपनिंग मिली थी बल्कि इसके सभी शो हाउसफुल थे। लेकिन अब इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर हो रहा है, जिसकी जानकारी फिल्मची के वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटजी तरुण तलरेजा ने दी है। वरुण ने बताया कि लोहा पहलवान एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी है जो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ करता है, जनता की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लोहा लेता है। पब्लिक डिमांड पर हमने इस फिल्म का प्रसारण टेलीविजन पर करने का फैसला लिया है। उम्मीद है दर्शकों का फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको बताएं कि फिल्म पहलवान के प्रस्तुतकर्ता लक्ष्मी गणपति फिल्म्स एन निषाद और निर्माता निषाद प्रोडक्शन है। प्रोड्यूसर संजय एन निषाद, रमेश व्यास हैं। को प्रोड्यूसर सुशील सिंह है। कहानी प्रकाश जैश की है। म्यूजिक छोटे बाबा का है। फिल्म में पवन सिंह प्यास पंडित के साथ सुशील सिंह, देव सिंह, प्रकाश जैश, दीपक सिन्हा, पुष्कर चावला, ग्लोरी मोहंता, सीमा सिंह जैसे दिग्गज कलाकार हैं। इस तरह की न्यूज के लिए बने रहे देसी भारत के साथ। कुछ कहना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।